तो हेलो गाइस, सरकारी डीम चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शैलेश। और दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में सिर्फ इतना पूछा था कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, ये वीडियो आपको चाहिए क्या। तो इस कमेंट्स इतने सारे कमेंट्स आए इस टॉपिक पर, बहुत सारे कमेंट्स आए। आप लोगों का प्यार बिल्कुल ऐसे ही बनाए के रखना। मैं आपको जो प्रॉब्लम आती है ना, मुझे को आपके भाई शैलेश को आपके लिए 100% प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ ही जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बीएसएफ ट्रेडमैन 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसमें फाइनल लिस्ट भी दिखाऊंगा। मुझे बहुत सारा इंटरनेट पे सर्च करने के बाद वो लिस्ट मिली जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने नंबरों पर सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन हो गया है, और उनका नाम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, और वो किस स्टेट की लिस्ट है वो भी दिखाऊंगा। कितने नंबरों पर सिलेक्शन होता है, हुआ है, होने वाला है, वो भी बताऊंगा। ओके, एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ओपन, सबका बताऊंगा। और जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि अलग अलग राज्यों की अलग कट ऑफ होती है क्या, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपसे मैं कोई झूठ वगैरह नहीं बोलूँगा, जो मुझे पता है उतना ही बताऊँगा। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो लिस्ट। तो दोस्तों, बिल्कुल आप वीडियो में देख सकते हो जो पीडीएफ, जहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है कि डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन ऑफ उत्तराखंड स्टेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल इन बीएसएफ 2017 बीएसएफ एकेडमी ठक्कनपुर। तो देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड की लिस्ट है जिसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि पीएटी पीएसटी डॉक्यूमेंट एंड ट्रेड टेस्ट रिटर्न टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन कंसोलिडेटेड बाय बीएसएफ ट्रेड कैटेगरी वाइज रिजल्ट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट रिस्पेक्ट 15 मेडिकली फिट मेल कैंडिडेट फॉर उत्तराखंड स्टेट बिन प्रपरेडेड बाय बीएसएफ एकेडमी। दोस्तों कुछ गलत पढ़ लूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और 10 कैंडिडेट नॉट सिलेक्ट हुए हैं, और वो भी सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि हर कैटेगरी के अनुसार अलग नंबरों पर सिलेक्शन हुआ है, मतलब हर कैटेगरी का अलग मेरिट लगा है उत्तराखंड स्टेट का। तो ये पीडीएफ मुझे मिली, अगर मुझे और पीडीएफ मिलती है तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे ऊपर आप पढ़ सकते हो फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कांस्टेबल कुक ट्रेड ऑफ ओपन कैटेगरी इन मेल कैंडिडेट्स उत्तराखंड स्टेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन इन बीएसएफ 2017 बीएसएफ एकेडमी टेक्कनपुर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो उस कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर और उनके फादर का नाम, उनका पूरा एड्रेस, ओके, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनकी कैटेगरी, ओके, मेल या फीमेल, और उनका क्या क्वालिफिकेशन हुआ है वो, और उनकी जो ईमेल आईडी है, ओके, और उन्हें 73 नंबर आए जिनको आप सिलेक्ट किया गया है। ओके, तो देखिए ओबीसी कैटेगरी से, सॉरी ओपन कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सब, यहाँ पे सब जो कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं सब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके नंबर आप बिल्कुल नीचे देख सकते हो, ऊपर 73 थे, 64, 55, 51, 51, 50, तो इतने नंबरों पर इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, इतने नंबरों पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक नंबर जो कैंडिडेट्स है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 73 नंबर लाए, तो उनका सिलेक्शन हो गया है, और अभी तो उनका ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गया और अभी वो ड्यूटी पर भी चले गए होंगे, जिनका नाम है राधा बालाभा, मतलब मुझे नहीं पढ़ा आ रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता, उनका थोड़ा बहुत ही ख़तरनाक नाम है उनका, मैं पढ़ नहीं सका। और नीचे आप बिल्कुल देख सकते हो, यहाँ पे आपको एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो है रिटर्न का 61 नंबर लाए और उनका सिलेक्शन हो गया है, और दूसरा है एससी जिनका सिलेक्शन हुआ है 55 नंबर्स पर सिलेक्टेड है दो कैंडिडेट्स, और उसके नीचे जो कैंडिडेट्स है 40, 38, 38, 33 जो कि नॉट क्वालिफाई है, आप बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे उनको नॉट क्वालिफाई किया गया है, ये सिलेक्ट नहीं हुए। ओके, उसके नीचे हम आते हैं जनरल कैटेगरी से, देखिए जनरल 39, 61, 70, 72 से सिलेक्ट है, 61 पर भी सिलेक्ट है, और
39 वाले नॉट सेलेक्ट है। तो बस इतने ही कैंडिडेट्स थे जिनके मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। तो देखिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 73 से 72 और कुछ 61 के आसपास है उत्तराखंड का। ओके, अलग स्टेट का अलग हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। तो और एससी और ओबीसी कैटेगरी और जो एसटी कैटेगरी है उनका यहाँ पे कुछ डाटा मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। तो देखिए अगर अगर मैं अपने अंदाज से बोलूँ तो जनरल कैटेगरी का अगर 61 से लेकर 73 के बीच आ रहा है तो जो ओबीसी कैटेगरी है उसका आप 2-3 नंबर कम कर लीजिए, मतलब 60 कर लीजिए, 58 कर लीजिए, 52 कर लीजिए। ओके, इतना नंबर पे ओबीसी कैटेगरी का हो सकता है। अगर एससी का, एक मिनट, एससी का क्या था, हाँ तो एससी का 55 था, एससी का अगर 55 था तो उससे 2-3 नंबर और कम कर लीजिए एसटी में, बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही फ़र्क पड़ता है। ओके, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे लगता है कि हर स्टेट का, हर कैटेगरी का अलग अलग लगता होगा, क्योंकि मुझे अगर कोई और डेटा मिलता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो मुझे सिर्फ यही एक पीडीएफ मिली और जिसमें भी सिर्फ 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन ये पीडीएफ बहुत ही अच्छी मिली क्योंकि इस पे हमारा जो कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है ये हमें देखने को मिल गया, जो कि आपके कमेंट्स के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स खुश हो गए होंगे क्योंकि नंबर बहुत अच्छे हैं। मतलब देखिए एससी कैटेगरी वालों के 55 नंबर पर ही सिलेक्शन हुआ है। ओके, और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 64 पर सिलेक्शन हुआ है, सॉरी 64 पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, 73 पर सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो देखिए आपके स्टेट का अलग हो सकता है तो इसमें तो कोई राय नहीं है। 61 पर भी सिलेक्शन हुआ है, 55 पर भी सिलेक्शन हुआ है एससी कैटेगरी का। तो आई होप मैंने जो आज आपको, और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जो कुछ जानकारी आपको मिली है वो अच्छी हो और समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता था। तो इंटरनेट पे बहुत छानबीन करने के बाद मुझे ये एक डाटा मिला जो कि पूरा मतलब 100% बीएसएफ का ही है, 2017 का है और उत्तराखंड का है। ओके, तो अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते तो वो देख ले, इस पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, डाउनलोड कर लीजिए। और आपको और कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में पूछना। ओके, मैं आपको वीडियो ला के दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मैं लाता रहूँ। और आप बिल्कुल निसंकोच होकर मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कैसे करते हो वगैरह वगैरह, जो भी आपके मन में सवाल है वो। ओके, आप, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो हर चीज़ें नहीं सोच सकता, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे लोग हो, आप किसी ना किसी लोग मुझे आप अपने दिमाग में एक टॉपिक आता है ना तो वो मुझे बता दिया करो कमेंट्स के हिसाब से। ओके, और आपके पास अगर कोई भी जानकारी हो बीएसएफ ट्रेडमेंट से लेकर एसएससी जीडी से लेकर तो वो मुझे कमेंट्स में बताया करो कि ऐसा ऐसा है, तो मैं उस टॉपिक पर थोड़ी छानबीन करके, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला के दूंगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताया करो। ओके, तो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताया कर दिया करो। तो आई होप मैंने जो आज आपको जानकारी दी आपको अच्छी लगी हो। अगर मुझे और डाटा मिलता है तो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। आप कमेंट्स किया करो, लाइक किया करो, चैनल सब्सक्राइब किया करो, अपने भाई को सपोर्ट किया करो। तो चलिए आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे और नए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।